हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे 11th केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट सही है तो फिर वो सब्जेक्ट हमारे लिए इंटरेस्ट बन जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्रिकेट को बहुत लाइक करते हैं, इसका मतलब उनको क्रिकेट के बहुत सारी चीज़ें पता है, उनको बेसिक्स क्रिकेट का पता है, इसलिए क्रिकेट उन्हें देखना अच्छा लगता है। सेम सब्जेक्ट पर हमारा ऐसे ही हो सकता है, लेकिन वो तब होगा जब हमें उस सब्जेक्ट का बेसिक्स अच्छी तरह हमें पता होगा। ठीक है, तो आज इसलिए हम बात करेंगे बेसिक्स पे, क्योंकि कहते हैं अगर मान लीजिए जिस बिल्डिंग की नींव अच्छी है, स्ट्रांग होती है, तो उस पर आप कितनी भी ऊपर बिल्डिंग्स बना सकते हैं। सेम कंडीशन, सेम यही कंडीशन अप्लाई होती है हमारी सब्जेक्ट के अंदर। तो आज हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, सबसे पहले पदार्थ यानी मैटर क्या है, तो चलिए उस पर डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या है। तो देखिए, मैटर की बात करते हैं, पदार्थ को कहते हैं मैटर। ये ठीक है, अब देखिए पदार्थ है, देखिए पदार्थ में प्रॉपर्टी तीन होती है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी एक तो जिसमें भार हो, दूसरी प्रॉपर्टी जो स्थान घेरे, तीसरी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर लें। तो ये पदार्थ की प्रॉपर्टी, यानी तीनों में से कोई सी एक प्रॉपर्टी भी है तो भी पदार्थ है, और तीनों प्रॉपर्टी या दो प्रॉपर्टी तो भी वो पदार्थ है, लेकिन तीनों में से एक प्रॉपर्टी होना जरूरी है, या तो वो स्थान घेरे, या उसमें भार हो, या उसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर लें, वो क्या है, पदार्थ कहलाएगा। जैसा भी ये मार्कर है, मैं इसको यहाँ से छोड़ दूँ नीचे गिरेगा, तो इसके लिए भार है, इसके अंदर ये पदार्थ है। फुटबॉल है, हम ऊपर की तरफ उछालते हैं लेकिन वो नीचे गिर जाती है, तो इसके लिए क्या है, उसमें भी भार है, वो भी क्या है, पदार्थ है। गैस है, अब बहुत सारी गैस है जो ऊपर की तरफ भागती है, इसका मतलब उनमें भार तो कम है, लेकिन क्या है, अगर हम उसको गुब्बारे में भरें तो गुब्बारे को फुला देती है, इसका मतलब स्थान घेरती है, वो भी क्या है, फिर पदार्थ है। अब कहोगे सर सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश भी पदार्थ है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में बैठने पर हमें थोड़ी सी देर में गर्मी महसूस होने लगती है, तो इसका मतलब उसको भी महसूस किया जा रहा है, तो वो भी क्या है, पदार्थ। एयर है, एयर को बैलेंस में भरो, बैलेंस फूल जाएगा, और उसको ऊपर से नीचे छोड़ो, नीचे गिर जाएगा, तो एयर में भार भी है और क्या है, वो स्थान भी घेर रही है, तो वो क्या है, पदार्थ। तो अब कुल मिलाकर रिजल्ट ये आया कि संसार की प्रत्येक वस्तु क्या है, पदार्थ के अंदर आती है, कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जो पदार्थ ना हो, तो ये पदार्थ क्या हुआ, अर्थ। ठीक है, अब देखो पदार्थ को हम मोस्टली ज्यादातर तीन पार्ट्स में हम देखते हैं, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, लेकिन अब क्या है, इसके अंदर जो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बने होते हैं। अब पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, लगा होगा उनमें फोर्स। ठीक है, अब फोर्स के आधार पर इनके क्या है, आयतन और आकार दोनों निश्चित और अनिश्चित हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने पदार्थ पता पड़ा, अब पदार्थ के तीन स्टेट होगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन एक प्लाज्मा भी होती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस के ज्यादा। तो देखिए सॉलिड में क्या होता है, तो इसकी कितनी स्टेट में, तीन। सबसे पहले स्टेट में इसकी फोर्स यानी सॉलिड, दूसरी कौन सी है, लिक्विड, ये होगी लिक्विड, और तीसरी स्टेट है इसकी गैस, ये किसकी, इसकी स्टेट्स है, इसकी सबस्टेंस की, ये वाली, तो क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो पहले बात करते हैं, तो सॉलिड में, ठीक है, तो सॉलिड में क्या है, सॉलिड में अगर हम कहते हैं ना, आपने देखा होगा कि सॉलिड बात करिए, सॉलिड बोले जिसमें कोई चेंज ना आए बात, है ना, और अगर कोई के गैस वाली बात करिए, तो इसमें समझ लो वो 100% चेंज जरूर होगी, तो इसलिए सॉलिड सॉलिड ही होता है। तो देखो सॉलिड ये है क्या, इसमें दो चीजें चलेंगी, समझ लो दो चीजें हैं इनके अंदर, एक तो है पार्टिकल्स क्या होते हैं, कण, यानी प्रत्येक चीज क्या है, छोटे छोटे कणों के मिलने से बनी होगी।
जैसे मकान है, मकान क्या है, ईंटों से मिलके बना होता है, तो मकान के लिए मुख है एक कण है, बहुत सारे कण है, एक नहीं बहुत सारे कण, ठीक है। तो यानी प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ क्या है, छोटे छोटे कणों के मिलने से बना होगा। तो ये भी क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बने हैं। अब पार्टिकल्स के बीच में क्या लगा होता है, आकर्षण बल। अब वो क्या है वो देखते हैं। देखो पार्टिकल्स के बीच में दो चीजें लगी होती है, इनमें इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, और दूसरा क्या है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये दो चीजें हैं भी पार्टिकल्स के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या, अंतराणविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का अंतराणविक स्थान। तो जब पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो सारे पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, और उनके बीच में स्पेस क्या होता जाएगा, उतना कम होता चला जाएगा। तो जहां पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना क्या है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उसमें हो जाएगा कम। तो इसका मतलब क्या है, अब जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या है, जितने मॉलिक्यूल, जितने पार्टिकल्स पास पास आ रहे हैं उतनी ही उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती जा रही है, घटती जा रही है, यानी उनमें गति करने की प्रकृति क्या होती जा रही है, कम। तो अब सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इसलिए सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं पास पास स्ट्रांगली जुड़े रहते हैं और वो गति नहीं कर पाते। तो इसीलिए सॉलिड का आयतन आकार दोनों कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। कभी भी सॉलिड का ना आयतन चेंज होगा नहीं उसका आकार चेंज होता है। तो सॉलिड इज सॉलिड। बात करते देखो लिक्विड की, तो सॉलिड में देखो पार्टिकल्स कैसे कैसे हैं, सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे कैसे जुड़े हुए हैं इसमें देखते देखो, सॉलिड ऐसे बिल्कुल पास पास ही जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए, ये वाले ऐसे, ठीक ऐसे होते हैं सॉलिड में। अब बात करते हैं लिक्विड की, देखो लिक्विड में क्या है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिक्विड मिलने से लिक्विड बना है, उनके बीच में क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड के कंपैरिजन में होता है कम, सॉलिड के कंपैरिजन, लेकिन गैस के, गैस से ज्यादा होता है। तो लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है क्या है, वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा तो पार्टिकल्स थोड़े से क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, और दूर दूर होने के कारण क्या है, इस मामले में गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, यानी उनमें गति करने की प्रकृति आ जाती है, इसलिए लिक्विड में बहने वाला गुण आ जाता है। तो लिक्विड में बहने वाली प्रॉपर्टी है, तो ध्यान रखना लिक्विड को हम जिस बर्तन में उसको डाल देते हैं उसी का आकार क्या कर लेता है, वो ग्रहण कर लेता है, लेकिन आयतन उसका रहता है फिक्स। तो लिक्विड में लिक्विड का आयतन तो फिक्स लेकिन आकार कैसा है, अनिश्चित। उसको जिस बर्तन में डाल दो उसी का आकार वो ग्रहण कर लेता है, उसी का आकार ले लेता है। क्यों, कारण क्या है, देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो गया, थोड़ा सा स्पेस उसमें बढ़ गया, तो जब जब ये घटेगा तो समझ लो जो पार्टिकल्स उनकी गति बढ़ने लगती है, पहले पास पास थे दूर दूर जाने लगे, तो जब स्पेस बढ़ने लगा तो स्पेस तो समझ लो क्या है, स्थाई से अस्थाई की ओर चलने लगा। अब देखो इसमें लिक्विड में कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें थोड़े से दूर दूर चले गए, इसमें लिक्विड में आ जाएंगे ऐसे, थोड़े से इसमें दूर दूर मॉलिक्यूल्स आ गए, ये क्या है पार्टिकल्स, पार्टिकल्स। अब बात करते हैं देखो गैस की, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के अंदर, उन पार्टिकल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो क्या होता है, बिल्कुल नगण्य, ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा। तो अब उनमें पार्टिकल्स में फोर्स नगण्य जब हो गए तो उसके पार्टिकल्स में क्या होने लगे, गति ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी, तो इसको एक दूसरे से क्या होने लगे, दूर दूर भागने लगे। अब इतने दूर दूर भागने लगे कि ना तो उनका आयतन निश्चित है ना ही उनका आकार निश्चित है, ठीक है। तो दोनों आयतन और आकार दोनों कैसे हो गए, उसके अनिश्चित, उसको जिस बर्तन में डाल दो उसी का आकार वो ग्रहण कर लेता है। गैस की अगर हम एक बोतल को किसी रूम के कोने में उसको खोल के रख दें
पूरे रूम में क्या हो जाएंगे, उसके पार्टिकल सब में फैल जाते हैं, क्योंकि ना उनका आयतन निश्चित ना ही उनका आकार निश्चित। आपने देखा होगा अगर मान लीजिए हमारे पास जैसे एक छोटा वाला सिलेंडर है, उसमें गैस भरी हुई है, मान लीजिए 1 kg गैस है, उसको अगर हम 15 kg के सिलेंडर में डाल दें तो 15 kg सिलेंडर का आकार को क्या करेगी, गेन कर लेती है, क्योंकि उसका आयतन आकार दोनों कोई चीज फिक्स ही नहीं है, तो इसलिए ये गैस ही नहीं छोड़ रही। चौथी आती है प्लाज्मा है इसकी स्टेट। प्लाज्मा क्या है, जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों की प्रकृति उसके अंदर पाई जाती हो, वो कैसी होती है, प्लाज्मा नेचर होती है। तो हमने यहाँ पे पदार्थ क्या है उसकी स्टेट कौन कौन सी और क्या है उन पर डिस्कस किया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके बाद, नेक्स्ट बात करते हैं, देखो इसके अब आते हैं एलिमेंट नंबर 2, यानी तत्व है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या है इसके, एलिमेंट्स तो देखो एलिमेंट्स तो केमिस्ट्री में शुरू से लेके लास्ट तक चलता है, लेकिन बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स में कंफ्यूजन रहता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। एलिमेंट्स देखो एक तो है प्योर सबस्टेंस और दूसरा क्या है, ये हमेशा सेम एटम्स के मिलने से बना होगा। तो एलिमेंट्स क्या है, यानी ऐसा प्योर सबस्टेंस जो सेम एटम्स के मिलने से बना हो और किसी भी रासायनिक विधि द्वारा जिसके दो भिन्न भाग नहीं किए जा सकते एलिमेंट्स है। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टी होगी, एक तो प्योर सबस्टेंस है, दूसरा सेम एटम्स के मिलने से बना है, और तीसरा क्या, किसी भी केमिकल मेथड द्वारा इसको दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसी को कहते हैं एलिमेंट्स। तो 3 प्रॉपर्टी बन गई इसकी। नंबर 1 प्योर सबस्टेंस, एक थे प्योर सबस्टेंस, और दूसरे क्या है, सेम एटम्स के मिलने से बना है, सेम एटम्स, और नंबर 3 डिवाइड नहीं कर सकते, नॉट डिवाइड Into different part. यही एलिमेंट है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में 118 वो एलिमेंट ही हैं जो अरेंज करके रखे गए हैं। ठीक, तो सारे एलिमेंट्स की कहानी भी। अब बात करते हैं एटम्स की। नंबर 3 पे आता है हमारा एटम्स, यानी परमाणु। परमाणु एटम्स, ये एक तो देखो सबसे पहले परमाणु की डिस्कवरी किसने की, परमाणु की डिस्कवरी करी जे.जे. डाल्टन वैज्ञानिक ने। किसने करी, जे.जे. डाल्टन। इन्होंने एटम्स की डिस्कवरी करी थी। अब एटम होता क्या, सबसे मेनली है कि एटम है क्या। हम सारी केमिस्ट्री में पूरी A to Z पढ़ते हैं, एटम क्या है, ये एटम सोडियम एटम इतने हैं, हाइड्रोजन एटम इतने हैं और पोटेशियम एटम इतने हैं, लेकिन एटम है क्या, तो उसी पे बताते हैं। देखो एटम ये क्या है, एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही एटम होता है, यानी एलिमेंट जिन छोटे छोटे कणों के मिलने से बना है वही उसके क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। तो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी तत्व के सूक्ष्मतम कण को, क्या कहते हैं, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, परमाणु कहते या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू एटम।
तो ये एटम है, ठीक है, तत्व के सूक्ष्मतम कण कह दो, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स क्या है, एटम। एटम की डिस्कवरी किसने करी, जे जे डॉल्टन। लेकिन जे जे डॉल्टन ने स्टेटमेंट दिया था कि एटम्स को दो भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता, जो कि गलत था, ठीक है। जे जे डॉल्टन ने डिस्कवरी करी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटम्स के बारे में वो एक अनसक्सेस स्टेटमेंट देके चले गए, यानी एटम्स के दो डिफरेंट एटम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन एटम्स ये नहीं है, एटम्स भी और छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बना है, एटम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एटम्स भी देखो कौन कौन के, छोटे छोटे कणों के मिलने से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो इससे भी छोटे हैं। एटम्स तो अपने आप में छोटा है ही, एटम्स तो बहुत छोटा है, लेकिन उससे भी छोटे पार्टिकल्स और उसके अंदर छिपे हुए हैं, क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। तो न्यूक्लियस है ना, अब एटम्स के अंदर दो चीजें चलेंगी, एक तो उसके अंदर नाभिक और फिर उसके अंदर कक्षाएं। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, गतिशील रहते हैं, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ होते हैं, उसकी नाभिक में रहते हैं, ठीक है। तो अब न्यूक्लियस एक तरीके से ऐसे, जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट का मैदान है, क्रिकेट के मैदान में हम क्या करें, एक आलपिन लगा दें, तो उस क्रिकेट के मैदान में जो आलपिन लगी हुई है, बिल्कुल सेम एटम्स की तरह भी न्यूक्लियस ऐसे ही होती है, बहुत छोटी होती है। तो इस पर सब पे डिस्कस करेंगे भी ना, न्यूक्लियस पे भी और उसकी सेल्स पे भी, बहुत सारी चीजें हैं जो आगे हमें डिस्कस करनी है। तो अभी तो मेनली हम क्या क्या छोटे छोटे पॉइंट्स लेके चलें, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है। तो अब हम बात करते हैं, देखो एटम्स के पार्ट्स, ये परमाणु भी क्या है, दो परमाणु भी छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बना है। तो इस पे डिस्कस करते हैं हम, देखो तो परमाणु यानी एटम, अब इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, ऑफ एटम्स, चलो फंडामेंटल पार्टिकल्स देखो, एक तो होते हैं इसमें स्थाई कण, क्या होते हैं भी, स्थाई कण, और दूसरे होते हैं अस्थाई कण, अस्थाई कण, यानी ये परमाणु भी दो प्रकार के कणों के मिलने से बना है, कौन कौन से, स्थाई कण और अस्थाई कण, स्टेबल पार्टिकल और अनस्टेबल पार्टिकल। स्टेबल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, देखो स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं इसके थ्री, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी ऐसे कण जिनका एटम के अंदर बहुत ज्यादा महत्व हो उन्हें कहते हैं स्थाई कण। लेकिन ऐसे कण जिनका एटम्स के अंदर महत्व क्या हो, नगण्य है, उन्हें कहते हैं अस्थाई कण। इसलिए इनका ज्यादा स्टडी नहीं किया जाता, मैंने इनको स्टडी करते हैं, लेकिन फिर भी अस्थाई कण कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। अस्थाई कण कौन कौन से, मेसन, मेसन, दूसरा क्या है, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन और एंटी प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन। तो ये इसके अनस्टेबल पार्टिकल और ये स्टेबल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो एटम्स के अंदर देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, उसकी सेल्स में, कक्षा में। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, कक्षा में, कक्षा क्या है, यानी सेल्स, कक्षा क्या होती है, सेल्स।
और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां होते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहते हैं उसकी नाभिक में, कहां होते हैं? नाभिक में। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियस। ये होते हैं उसके न्यूक्लियस। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई नेगेटिव से। और प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। और न्यूट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। पी पे कौन चार्ज है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे कौन चार्ज होता है? न्यूट्रॉन, जीरो। तो इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से। इलेक्ट्रॉन पे कैसा है? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे कौन चार्ज? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे होता है जीरो, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। भाई न्यूट्रॉन न्यूट्रल सबसे बना है, और न्यूट्रल का मतलब क्या है? उदासीन, जिस पर कोई चार्ज ना हो। प्रोटॉन, तो अब ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये यानी एटम्स भी इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बना है, जो क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, यानी ये पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है? नेगेटिव। प्रोटॉन कैसे पार्टिकल है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन कैसा है? उदासीन, जिस पर कोई चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात है। अब देखो, हम बात करते हैं ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी भी डिस्कवरी की है ना। तो देखो, इमेजिन सा लग रहा है, एटम्स बहुत छोटा है, एटम्स का साइज कैसा होता है? नेगेटिव। मान लो 10^-1 सेंटीमीटर है ना। और अब जैसे इनका साइज, इलेक्ट्रॉन 10^-31 केजी, इतना छोटा वेट कैसे डिस्कवरी कर लिया? बहुत इमेजिनरी है, लेकिन डिस्कवरी किया है। किसने किया है उस पर हम डिस्कस करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो छोटे पार्टिकल्स है, बहुत नेगेटिव वैल्यू है, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उनकी डिस्कवरी की उन्हीं वैज्ञानिकों ने। किस किस ने डिस्कवरी की, आज हम उसका नाम देखते हैं क्या है। तो चलिए इस पर देखते हैं क्या क्या है। तो इससे पहले मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, और उसमें ये ट्रिक बताई थी आपको कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम कैसे बनाते हैं। तो ध्यान रखना, वो क्या है? ईट पर मास। क्या है? ईट पर नाच। ईट पर नाच, ये क्या है? सुपर ट्रिक। ये क्या है? सुपर ट्रिक, सुपर ट्रिक, सुपर ट्रिक ऑफ ऑफ डिस्कवरी, यानी ऑफ साइंटिस्ट। सुपर ट्रिक ही लगती है, सुपर ट्रिक, ठीक है। सुपर ट्रिक क्या है? देखो, ईट पर नाच। ईट पर नाच क्या है? ई, ई क्या है? इलेक्ट्रॉन। ई क्या है यहां पर? इलेक्ट्रॉन। और टै क्या है? टॉमसन, यानी जे जे टॉमसन, जे जे टॉमसन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? जे जे टॉमसन ने। फिर बात करते हैं पै, पै से क्या है? प्रोटॉन। पै से है प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी? रे ने। रे से क्या है? रदरफोर्ड। रे से क्या है? रदरफोर्ड। फिर आते हैं ने। ने से क्या है? न्यूट्रॉन। ने से क्या है? न्यूट्रॉन। इसकी डिस्कवरी किसने करी? चैन। चै माने चैडविक। चै से क्या बनेगा? चैडविक। ये बात, ठीक है। तो यही है ईंट पर नाच, सुपर ट्रिक। तो आपने देखा होगा घर में अगर सुई गिर जाए है ना, तो सुई हमसे नहीं ढूंढी जाती है, इतनी छोटी सुई है। लेकिन उसी सुई का अगर हम 1000-10000 भाग कर दें और नीचे गिर जाए और फिर कहा जाए इसको ढूंढो, तो होगा ही नहीं, ढूंढी ही नहीं जाएगी। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो सुई से भी बहुत छोटे हैं, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने छोटे हैं, उनकी डिस्कवरी कर दी। तो इमेजिन है, यानी एक क्या है? बहुत ग्रेट वर्क है। तो हमारे साइंटिस्टों ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी कर दी, ठीक है। तो आज हमने तीन चीज़ें सीखी, क्या पदार्थ क्या है, और एलिमेंट क्या है, और एटम क्या है, और एटम्स के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उन पे हमने डिस्कस किया।
ठीक है। और अब नेक्स्ट बात करेंगे कैटायंस और एनायंस पे, सब पे डिस्कस करेंगे, मेटल नॉन मेटल है ना, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, एसिड बेस क्या होते हैं, कैटायंस एनायंस आपस में कैसे जुड़ते हैं, सभी छोटी छोटी चीजों पर डिस्कस करेंगे 11th में। और जब ये हमारा बेसिक्स लगभग 1 वीक में हो जाएगा, उसके बाद बात करेंगे फिर आईपीएससी, ठीक है। तो आज का लेक्चर समाप्त करते हैं और सारे स्टैंड 11th के सब इसको देख करें। अगर आपको अपने बेसिक्स बहुत अच्छा करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसको जरूर देखें। तो थैंक यू वेरी मच 11th क्लास स्टूडेंट के लिए, खासकर 12th वाले भी इसको, अगर उनको अपने बेसिक्स और अच्छे करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो भी इसको देखें जरूर। थैंक यू वेरी मच।